please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुगलसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कुछ अज्ञात लोगों ने सियालदह राजधानी पर गया स्टेशन पर पथराव किया है। इस पथराव में 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने ट्रेन के लेट होने पर गया स्टेशन पर सियालदह राजधानी पर पथराव किया है। मुगलसराय स्टेशन पहुंचने के बाद बोगी के टूटे शीशों को ठीक किया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सियालदह राजधानी पर पथराव हुआ, हालांकि कई बोगियों के शीशे इसमें टूटे। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया। बताया ये जा रहा है कि इसमें कई लोग घायल हुए हैं जिनको उपचार के लिए भेजा गया। ये गया के पहले स्टेशन मानपुर में ट्रेन चली रही थी, एक बैग कुछ आवाज हुआ, मैं सो गया था, उठा तो देखा धम धम, और बाद में वो शीशा टूट कर उड़ा, पत्थर भी अंदर आ गया। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी बहुत बुरी तरीके से की, B1 में, B2 में, B4 में। या बहुत लोगों को चोट भी लगा, बहुत से फैमिली ट्रेन से डिबोर्ट भी हो गए। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़ कर प्रदर्शन किया। ये लोग राज्य के कई इलाकों में जारी पीने के पानी की समस्या के विरोध में सड़क पर उतरे। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ कर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान सचिन पायलट ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच एक के बाद एक कई मटके फोड़े। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट की अगुवाई में एक मार्च निकाला, जिसमें पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने भी हिस्सा लिया। अमित शाह जनरल सुहाग के घर से संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गुरुग्राम में जनरल सुहाग के घर से महासंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया और सिंगापुर के लिए 5 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। सोमवार को 4 लोकसभा और 10 विधानसभा के लिए हुए मतदान में ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत पर चुनाव आयोग आज पुनर्मतदान पर फैसला ले सकता है। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में घर के बाहर खेल रही 2 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड के रायवाला में दहशत फैलाने वाले गुलदार की पहली तस्वीर कैमरे में कैद हुई। बिहार के पटना में सोमवार को शाम अचानक मौसम की करवट लेने के साथ जोरदार बारिश हुई। बिहार के पटना में पति पत्नी के विवाद के बीच थाने पहुंची सास ने दामाद पर खुद को पीटने का आरोप लगाया। हरियाणा के करनाल में बिजली चोरी पकड़ने गई विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने बाइक में बेड़ियां डालकर अनोखा प्रदर्शन किया।